समाजवादी पार्टी भैया जी थोड़ा मंच पर आए ताकि मेरा नामावल बढ़े और सभी नेतागण सभी छोटे बड़े को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा कि फूल हो गुलाब का चाहे ताजी हो या बासी, वोट डलेगी साइकिल पे चाहे सजा हो या फांसी। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। माननीय अतिथि महोदय, सभा में उपस्थित सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। मैं भीमराव अंबेडकर जी के लिए दो लाइन बोलना चाहूंगी। नींद अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, कभी मत भूलना उस महान इंसान को, जमाना कहता बाबा साहब अम्बेडकर जिनको। ईश्वर की न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चलती है पर पिस्ती बहुत बारीकी से है। एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है क्या? एक चक्की चलाने वाला एक पार्षद नहीं बन सकता? संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पे ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। जो अपने जीवन में कठिनाई से टकराता है वही विकास के पथ को आगे बढ़ाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मैं सभी से ये गुजारिश करूंगा कि आप उसके साथ खड़े हो जो आपको सम्मान दे, इज्जत दे। उसके साथ न जाओ जिसके साथ रास्ता चले। किसी मजबूर आदमी के भी साथ खड़े हो जिसके साथ कोई नहीं है। और हमेशा ऊपर वाले ने उसी का साथ दिया है जो मजलूम के साथ खड़ा हुआ है। और हमें आप सबसे ये गुजारिश करो 11 तारीख को सब कुछ भूल के इस बहन को साइकिल के बटन पे विजयी बना के लेके आए और फिर देखना आपके गांव का विकास कैसा होता है। ये अकेली नहीं, इसके साथ सारा जाटा समाज, सारा मुस्लिम समाज, ये मैं दावे से कहता हूँ सब इस बहन के साथ है। इसका मनोबल टूटना नहीं चाहिए और सब एकजुट होकर इसको मत करें और विजय बनाए। और Thank you.
हमारे समर्थक प्रत्याशी हैं। धन्यवाद अज्जू अज्जू भी अज्जू साइकिल ही साइकिल साइकिल ही साइकिल हो गया। पहली बार गाजियाबाद में साइकिल किया जो समीकरण बने हुए हैं वो हमारे पार्षद प्रत्याशी भी और मेयर प्रत्याशी भी दोनों ही विजयी है जी। मेहनत कर रहे हो, आपके पास 4 दिन है, 9 तारीख को जो है प्रचार बंद हो जाएगा, 9 तारीख को बंद हो जाएगा लास्ट है। तो इस बार साइकिल में कुछ परिवर्तन महसूस कर रहे हैं? नहीं, परिवर्तन यही है कि लोगों का रुझान जो है आज की डेट में कैंडिडेट को देख रहे हैं, जो कैंडिडेट काम करा रहा है और गांव के क्षेत्र के प्रति विकास प्रगतिशील है उसी को वोट देने के लोगों ने राय बनाई हुई है। अब की बार में समाजवादी की जो साइकिल देखी जा रही है उसमें कुछ अलग रंग है, राजा भैया जी आप बताइए। वो इसलिए अलग रंग है, आज लोग परेशान हो गए, जो औरों को अजमाते हम जमाते परेशान हो गए, 5 साल से गांव की हालत बढ़ से बदतर हो गई। हम गाजियाबाद की साइकिल की बात कर रहे हैं, गाजियाबाद की साइकिल बार आदरणीय मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव परिवार से हैं जी हाँ जी, लेकिन आज तक वो 5 MLA नहीं बना पाए। इस बार ऐसा हो रहा है गाजियाबाद के नगर में घर घर साइकिल चल रही है। हाँ जी, ये जरूर चलेगी, चलेगी जरूर चलेगी, पक्का चलेगी। हमारे साथ राम सिंह गौतम जी है, सोशल वर्कर है, मास्टर है, स्कूल का शानी गाँव के अंदर उनका एक रुतबा है, तो चाचा भतीजे खड़े हैं दोनों आप। मास्टर जी ये बताइए, इस बार हमारा जो समाज ऐसी समाज आता है उसके अंदर साइकिल पहली बार देखने को मिलेगा जवाब में? ऐसी समाज न केवल जाटव है बल्कि हमारा वाल्मीकि समाज भी ऐसी है, धोबी समाज भी ऐसी है, कोरी समाज भी ऐसी है जी जी। और जिस दिन ये समाज सही मानों में जा गया, अगर मैं गांव के संदर्भ में बात करूं तो गांव में हम किसी पार्टी विशेष को नहीं देखते, हम प्रत्याशी विशेष को देखते हैं। हमने भरे पेटों को बहुत बार देखा है, जिनके पेट भरे हुए हैं, जिनके जेब भरी हुई है, उन्हें बहुत बार देखा है अपने अकड़ मकड़ धकड़ में गांव का सही तरह से विकास नहीं कर पाए। किसी ने कहा है कि खाने की अकल खाने की तमीज भूखे को होती है, भरे पेट को नहीं। तो मैं इस वजह से आज उर्वती के साथ में और भाई सिकंदर के साथ में इसलिए हूँ, ये गांव की तस्वीर सुधारे और वे शहर की सुधारे, क्योंकि मैं गांव का बाशिंदा हूं, अपने गांव को बहुत प्यार करता हूं और अपने जिले को प्यार करता हूं, अपने देश को प्यार करता हूं। तो जहां अंधभक्ति आती है हमें अंधभक्ति छोड़कर, चाहे वो किसी भी क्षेत्र क्यों ना हो, अंधभक्ति छोड़कर के सही दिशा में सही निगाहों से देख करके चुनाव करना होगा। सबसे पहले अगर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ऐसे होते हैं जो कार्यकर्ता है वो वार्ड में घर घर साइकिल पहुंचाते तो बहुत हिसाब बनता। प्रदीप जी आपका क्या कहना है, आपके भांजे हैं ऐसे? हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ, वो छोटे वोट तो देंगे प्रीतम सिंह जी को, हमारे पार्षद है, और बड़ी वोट देंगे सिकंदर जी को, मेयर जी को। तो आप समाज के गद्दार नहीं कहलाओगे? कम अन्य नहीं, ये नहीं गद्दार नहीं कहलाएंगे, ठीक है। जो भाजपा को हरा रहा हम उसे वोट दे रहे, बहुत बढ़िया। लक्ष्य भाजपा हराना नहीं है, लक्ष्य है पूर्वती और पूनम यादव को जिताना जिताना। तो ऐसी समाज जो आपके पास साइकिल पे सवार है, हमारे गांव की सड़कें देखी हमने कैसी हो रही है जी, देखी है। ये भाजपा की तो देन है सारी, नहीं भाजपा की तो देन है, हाथी कैसे छोड़ोगे? हाथी तो हमने देखे व्यक्तिगत के हिसाब से छोड़ दिया फिलहाल। अच्छा, हम वोटर हाथी के ही है जी, लेकिन मजबूरी में ये है कि हमारे व्यक्तिगत संबंध है पार्षद जी से और जो मेयर साहब से। आपकी बात, आप सब लोग यहाँ पब्लिक है, तो प्रदीप जी आपकी बात, साइकिल चलेगी गाजियाबाद में? नहीं चलेगी, साइकिल चलेगी और लखनऊ तक चलेगी, साइकिल चलेगी और लखनऊ तक चलेगी। और विपक्ष देखा गया गाजियाबाद में जो ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ वो आपकी बार होगा, और सिकंदर यादव विजयी होंगे और हमारे प्रेमपाल जी भी विजयी होंगे। आप सब लोग मेहनत करेंगे, मेहनत कर रहे हैं, जन जन को समझा रहे हैं, जन जन को बता रहे हैं, कमियाबी बता रहे और अपने जो पार्टी की जो प्रक्रिया है वो सब समझा रहे हैं उनको। समझ रही है पब्लिक, बदल रही है सोच, बदल रही है पब्लिक की, हर आदमी बदलाव चाहता है आज की डेट में। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित अधिकार के साथ लिए थी हमारी टीम के लिए।
आप खुश हैं? हाँ खुश हैं। जनता से क्या कहना चाहती हैं? जनता से यही कहना चाहती हूँ मैं फूलकली देवी सबसे नमस्ते मेरी, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं जो भी काम करूँगी ईमानदारी और लगन के साथ करूँगी गांव के लिए। बहुत अच्छे। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल। साइकिल। और पूनम यादव का? साइकिल। ठीक है, तो 11 तारीख में एक और एक मिनट के जो है 11 हो जाते हैं। साइकिल चला दो सभी। मोहर लगेगी, मोहर लगेगी, मोहर लगेगी, मोहर लगेगी। सभी साथियों को मैं बोलना चाहता हूँ, आज जिस विषय में ये पार्टी रखी गई है, ये जो रैली का संबोधन किया गया है, ये हमारे आदरणीय अंकल प्रीतम अंकल जी के लिए, उसके लिए सर्व समाज जिसमें कि दलित समाज और दलित समाज मुस्लिम समाज आप सभी जो इकट्ठा है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि इनका जो नेचर है वो एक इंसानियत को दर्शाता है। क्योंकि इनकी हर व्यक्ति जो है आज इनके ऊपर जो फिदा है, इनकी आदत, इनका नेचर सिर्फ इसलिए फिदा है। और आज सभी जितने भी अभी जो हमारे मास्टर जी ने कहा कि जब हम निकलते हैं तो हमें सबको हाथी वाला कहा जाता है, लेकिन आज इन्होंने अपनी विचारधारा को साइड में रख के आज ये हमारे साथ और हम इनके साथ जो खड़े हुए हैं, कार्यकर्ता है, हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, वोटर है, वोटर कह दीजिए, कार्यकर्ता कह दीजिए, समाजवादी के साथ, समाजवाद के साथ शुरू से हम रहे हैं। लेकिन इस बार का जो ये वोटिंग हमारे वार्ड 50 में हुआ है, सभी कुछ जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले भगवान गौतम बुद्ध की पावनी बुद्ध पूर्णिमा की समस्त ग्रामवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामना। और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि 18वें में जब जेल गया था उसके बाद में आज फिर मैं इस शादी गांव के अंदर हूँ, और हमारे आदरणीय खड़े हैं प्रदीप जी और प्रदीप जी के साथी, जिन्होंने मेरे जेल से छुटने के बाद इस गाँव में 5,000 रुपये की खीर अपनी तरफ से बांटी थी 2 अप्रैल के आंदोलन। तो मैं एक सर्वे कर रहे हैं सम्मान एक अधिकार कि गाजियाबाद के अंदर अब की बार ऐसा क्या हो रहा है ऐसे समाज के अंदर कि जो साइकिल घर घर पहुंच रही है उसकी क्या है? आपके जो गांव के अंदर ये धूम उठ रही है जो चल रहा है सर्वे, अब की बार ऐसे समाज में जो हाथी जो पहुंचना चाहिए था और साइकिल पहुंच रही है, इसका क्या रीजन क्या है भैया? इसलिए हो रहा है कि जो हमारे जो बसपा पार्टी है हाथी के आदमी, हाँ नहीं बसपा पार्टी ने कोई कैंडिडेट ही नहीं खड़ा कर रहा, जो कैंडिडेट खड़ी था निसारा खान, नहीं पार्षद की बात कर रहा हूँ मैं, मेयर की बात कर रहा हूँ। अच्छा मेयर की बात, मेयर की बात पे आ जाओ, हाँ हम उसे वोट देंगे जो भाजपा को हराएगा। अच्छा इसकी क्या गारंटी है कि भाजपा से हरा दोगे? आप जो है सिकंदर की आप कहीं भी फिल्म देखिए, कहीं भी रुतबा देख ले कितना रुतबा है, जीतने ना दे सुगाली से, जी भाजपा को जीतने ना दे। नहीं आप लोगों ने कैसे उम्मीद लगा दी कि सिकंदर यादव जीत रहा है? मुझे राजनीति की वोट मिल रही है, हर समाज की वोट मिल रही है, हर समाज की तो भाजपा को भी मिलेगी, नेता तो हमारे भाजपा में। हम तो ना दे रहे? नहीं आप ही तो नहीं दे रहे, और लोग तो दे रहे हैं। वोट ना दे रहे है जी? वोट तो है। आज भाऊ जी आपका अनुभव है और आपकी काफी उम्र भी है, तो पहले सम्मान एक अधिकार को टाइम देने के लिए आपका धन्यवाद। आपकी बार में क्या रुझान है लोगों का? रुझान तो बढ़िया है, अपना पार्टी अच्छे काम कर रही है, हमारे समाजवादी पार्टी भी अच्छा काम कर रही है, काम तो बसपा भी कर रही है, लेकिन देखो अब क्या कौन से पहले मेयर का जो चुनाव है, मेरी केवल उस पर सर्वे है, बाकी मेरा किसी पार्षद वार्षद से कोई लेना देना। मेयर में साइकिल दौड़ेगी है जी, साइकिल दौड़ेगी अभी की बार हर तरह से। इसकी वजह क्या पड़ रही है? सिकंदर भैया बहुत बढ़िया आदमी है, सामाजिक आदमी, अच्छे आदमी है वो जी, कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे बसपा के, बसपा के कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे, नेता निगम में जी नेता बेकार है जी। तो हमारी नेता बहन जी ठीक है, नहीं जो उसके टकपूंजिया जो नेता है ना जो बैठा रख के वे बेकार है, वो काम नहीं कर रहे। सिकंदर यादव को टिकट क्यों नहीं दिया भाई? MLA का टिकट दे दिया फिर काट दिया, फिर बसपा उस बसपा में काम करा, फिर उन्होंने टिकट मांगा फिर टिकट नहीं दिया, क्यों नहीं दिया भाई बसपा ने? नहीं इनके आने से ऐसा होता है कि उनकी जो क्लियरिटी है जो जिला अध्यक्ष है या वो है, इनकी पहुंच ऊपर तक ना बन जाए और हमारी झंडी ना कट जाए। वो तो है ही है जी, होता है ही, वही तो मेन कारण तो यही है। उन्हें यहाँ की जो टकपूंजे नेता इन्हें दिख रहा, सिकंदर को एक बार टिकट दे दिया, मौका दे दिया जी, तो शायद पब्लिक में इतना रम जाएगा कि हट ही नहीं पाएगा। अब की बार में जो सिकंदर के आने से समाजवादी गली गली गांव गांव जो आपका वार्ड आते हैं 100 के 100,
पहली बार ऐसा लग रहा है कि समाजवादी का जिला बनने जा रहा है भैया। हम बसपा के उसके वोटर ना बसपा के जी, हमारी मजबूरी है कैंडिडेट उन्होंने बढ़िया तारा नहीं हाँ। सिकंदर को उसने दिया सिकंदर के, जबकि सारे चाहने वाले आदमी है जी, तो आप बसपा को दे रहे हैं वोट, उसे सपा को मजबूरी है हमारी पार्टी को नहीं दे रहे, सिकंदर को दे रहे हैं, सिकंदर को दे रहे हैं, पार्टी को ना दे रहे हैं जी, हम तो उसे दे रहे हैं, बसपा को सपा को नहीं दे रहे हैं, उसे दे रहे हैं सिकंदर यादव को। अगर वो मेयर बनते हैं तो कुछ उम्मीद हमारी है? उम्मीद नहीं जी, घर घर घंटी बजाएंगे, बताओ किसी को क्या परेशानी है। अच्छा हाँ।